more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी टीवी के जाने माने टॉक शो जज्बात की वजह से राजीव खंडेलवाल काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, वो काफी मस्ती मजाक करते ही रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने शो पर मेहमानों के साथ भी मस्ती मजाक करते रहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सेलिब्रिटी गेस्ट रागिनी शो में करण ग्रोवर के साथ आई थी, पर वहाँ बातचीत करते वक्त राजीव ने रागिनी के साथ एक प्रैंक खेला। उन्होंने एक अनजान शख्स का वीडियो मैसेज दिखाया जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो शख्स कहता है कि वो रागिनी से बहुत गुस्सा है क्योंकि रागिनी ने उसे छोड़ दिया। आपको जानकारी दे दे कि रागिनी ये देखकर शॉक्ड हो गई और उन्होंने राजीव को वीडियो बंद करने के लिए बोला, लेकिन राजीव ने नहीं सुनी और राजीव ने बाद में बताया कि ये मजाक था और वो शख्स असली नहीं था। ये मजाक रागिनी को अच्छा नहीं लगा और वो उसी वक्त शो के सेट से चली गई। यहाँ तक कि राजीव ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश भी की और सेट पर वापस लौटने को भी कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इस बीच सरप्राइज ये था कि रागिनी सेट पर वापस लौटी और खुलासा किया कि वो भी राजीव के साथ मजाक दे रही थी। और लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से सिमरन की। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।